आइए अब मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। दोस्तों, ढाई तीन हफ्तों से हम हमारे स्टूडियो में हंसी रहे हैं। ऑब्वियसली फुकरे देखने के बाद किसकी हंसी रुकी है, और इसलिए आज आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं फुकरे की टीम। लेट्स वेलकम रीचा चड्डा, अली फजल, पुलकित सम्राट एंड वरुण शर्मा। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। सबसे पहले तो बताइए, मनजोत कहाँ गायब है? एग्जाम दे रहा है। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस के पेपर दे रहा है दिल्ली में। एक्चुअली हैविंग एग्जाम्स इन दिल्ली राइट। और आप सबकी स्कूलिंग हो गई है? स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो गया है? हो गया। कॉलेज भी हो गया? कॉलेज भी हो गया। आपका ऐसे चेहरे से लगता है बहुत मासूम चेहरा है, तो आपका लगता नहीं कि आप कॉलेज गए? बड़े मासूम से कॉलेज में गया। कौन से कॉलेज में पढ़े आप? मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ। चंडीगढ़ में? आप चंडीगढ़ से? जलंधर से। अच्छा, बेसिकली। बट जलंधर में एडमिशन नहीं मिला? नहीं नहीं, लड़कियों को तंग करते थे? बिल्कुल। जो फिल्म मेकिंग कोर्स था वो चंडीगढ़ में था। अच्छा। तो शुरू से एक्टिंग का शौक था एंड वांटेड टू बिकम गेट इनटू एक्टिंग। तो जो फिल्म मेकिंग कोर्स था दैट वाज इन चंडीगढ़ इन आईटीएफटी कॉलेज, सो डिड इट फ्रॉम देयर। ओके। एंड पुलकित, आपने तो पहले फिल्म में काम किया है, दैट फिल्म बिट्टू बॉस डिड नॉट वर्क, उससे आप निराश हुए थे? आपको लगा था कि इट्स लाइक द एंड ऑफ द रोड फॉर मी? सो नो, नॉट एट ऑल। मतलब इफ गॉड हैज गॉट मी टू मुंबई फ्रॉम नोवेयर, सो आई थिंक ही हैज सम प्लान्स। नोवेयर कहां है इंडिया में? Nowhere is the like no background that I had in Delhi. Like, otherwise you're from? From Delhi. Delhi. Yeah. Okay. So koi background nahi tha from this industry at all. And sirf acting ka shauk tha. Yeah, that's like a passion since the very beginning. Mujhse koi bhi puchta hai kya banna chahte the, to I don't remember anything else. So I think if God has got me here, to kuch na kuch plan to hoga. To agar kuch low bhi aata hai, it doesn't matter. And you know, I've been lucky that there are people supporting me and, you know, talking to me and counseling me all through this time. So it's really great. It's easy. You're not lucky, you're talented. Koi luck se hero nahi banta hai. Because you have talent. Aapki film na chali ho, lekin logon ne aapka talent dekh liya, which is why they're supporting. I don't think otherwise they would have supported you. Thank you so much. Ali, aapne bhi Three Idiots mein kaam kiya hai. Three Idiots ke baad itna lamba गैप, एक फिल्म आई थी बीच में विच वॉज ऑलवेज कभी कभी, ऑलवेज कभी कभी, यस, विच डिडंट वर्क, तो इसलिए ये स्पीड स्लो हो गई या नहीं? नहीं, आई थिंक अपने टाइम से मैंने एक और बीच में थोड़ा काम किया है एंड देन फुकरे हैपेंड, उस वक्त नहीं चली थी, बट आई थिंक दैट वॉज अ बिग जंप फॉर मी इनटू कमर्शियल सिनेमा। तो फॉर मी, मेरे लिए एजुकेशन थी क्योंकि मैंने एक्टिंग पढ़ी नहीं है। उसकी ग्रामर आई थिंक इज हैपनिंग फॉर मी ऑन सेट्स। बट यू हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ एक्टिंग। इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे बुरा लगता है यार, क्योंकि सब लोग यू नो दे ड्रीम्ड एंड मैंने नहीं, आई डिडंट वांट टू बी, माय आप सोए नहीं तो सपने कहां से लेंगे? हाँ, सपने वाला तो वो है। अरे, वाज एन एक्सीडेंट आई हैड इन स्कूल, सो आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल एंड यू नो कुछ ना कुछ करना पड़ता है वहां पे। सर, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, वहां जाकर प्ले क्यों नहीं करते जाके? सर, ओके ओके, लेट्स डू, यू नो, एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड एंड आई रियलाइज्ड नौटंकी था। एंड रीचा, आपको देखकर लगता है आपने हमेशा ये सपना देखा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। जी हाँ। सी, आई एम राइट ना? यस, एब्सोल्युटली। आई फील लाइक दिस वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स ऑफ पीपल, सम आर एक्टर्स एंड सम आर नॉन एक्टर्स, अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द क्लियर डिविजन। तो मेरे ख्याल से आप भी, क्योंकि आप लोगों के सामने बैठ के बात करने में कंफर्टेबल, यू हैव अ बिट ऑफ एन एक्टर इन यू, एंड मे बी आर कैमरामैन डजंट, दैट्स व्हाई ही इज बिहाइंड द सीन। सो मेरे लिए वो डिविजन बहुत क्लियर था। अच्छा। तो मुझे पता ही नहीं था मैं और कुछ कर ही नहीं सकती थी विद माय लाइफ, लाइक आई हैड नो चॉइस, आई फील लाइक आई वाज ऑन द प्लैनेट टू डू व्हाट आई एम डूइंग। ओह माय गॉड। एंड मतलब आपने एक्टिंग सीखी या? जी, मैंने बहुत शिद्दत से एनएसडी या एफटीआई को 3 साल या 5 साल नहीं दिए। उसका मुझे खास गम नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने दिन थे बॉम्बे में बेरोजगारी के, उसमें मैंने हमेशा कुछ ना कुछ किया, लाइक वो आई डिड वर्कशॉप्स, आई डिड ट्रेनिंग विद टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। बट आई थिंक माय गुरु इज बैरी जॉन एंड ही नीड्स टू बी क्रेडिटेड फॉर दैट। मैं 16 साल की उम्र से उनके साथ प्ले में किसी ना किसी तरह जुड़ी रही, और शुरू में मुझे वो पसंद भी नहीं करते थे, मुझे फेल कर देते थे। इन द सेंस यू वर हिज बैड स्टूडेंट? आई वाज हिज स्टूडेंट दैट वाज टू कूल, मतलब आई थॉट वो टीनेज में होता है ना कि तुम क्या मुझे सिखाओगे, तो उस टाइम का था। सो बट लाइक ही मूव्ड हियर, आई मूव्ड हियर एंड देन वी वर्क टुगेदर एंड फ्रॉम वन ऑफ हिज प्लेज ओनली आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। सो
ही इज माय गुरु एंड आई थिंक ही इज गाइडिंग. फिर उनका ओपिनियन आपके प्रति बदला कब? क्योंकि मैं बदल गई. अच्छा. मुझे पता चला जब मैं दिल्ली छोड़ के अपनी माता पिता की लग्जरी छोड़ के यहाँ आई, जब मुझे एक टूथपेस्ट की ट्यूब का, एक किलो चावल का भाव पता चला, तो मुझे समझ में आया कि एक्टिंग करना कोई मजाक नहीं है. जैसे घर में सब बोलते हैं अरे ये कुछ नहीं कर पा रहा तो इसको एक्टर बना दो, ऐसा नहीं होता. अगर आप में दिमाग नहीं है तो शायद आप अच्छी एक्टिंग कभी ना कर पाए. और दूसरी चीज, अगर आप में मेहनत करने की वो पैशन नहीं है तो फिर यू कांट एक्ट, बात नहीं बन सकती. एग्जैक्टली. तो फिर मुझ में बदलाव आया तो उनमें भी बदलाव आया और अब आई थिंक आई एम हिज फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल टाइम. वाओ, नॉट बैड, नॉट बैड. और फुकरे में आप सब इकट्ठा कैसे हुए? सबसे पहले कौन साइन हुआ, कैसे साइन हुआ? लेट्स हियर अ लिटिल बिट ऑफ द बैकग्राउंड. पुलकित, आपसे शुरू करते हैं. हाँ, सबसे पहले मैं ही साइन. हाँ, सबसे लास्ट में मैं साइन. ये सब मेरे सामने पैदा हुए हैं. सो इट्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग, क्योंकि रितेश सिद्वानी, ही सॉ बिट्टू बॉस का वन सॉन्ग किक लग गई, दैट वॉज अ सॉन्ग. सो ही लाइक द एटीट्यूड इन दैट. एंड फिर रितेश ने कॉल किया अमरिक को, और जो आपके डायरेक्टर है, अमरिक जी, जो डायरेक्टर है. तो अमरिक को बोला कि दिस गाय लुक्स प्रॉमिसिंग, सो लेट अस कॉल हिम. एंड ही सेड मैं अभी अभी इसकी मूवी देख कर निकला, सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ डिस्कसिंग इट विद यू कि इसको बुलाएं क्या. सो देन दे कॉल द कास्टिंग डायरेक्टर. या ही ऑल्सो जस्ट सॉ द फिल्म. ओके. सो देन दे कॉल द कास्टिंग डायरेक्टर, हनी हिज नेम इज. So he said I was gonna call you guys to ask for the same person ki isko bulaun kya. So it just had to fall in place. Isliye aapka naam Hani tha. Isliye mera naam Hani tha. Mera pura naam chahiye Hani Mrigdeep Ritesh hona chahiye in the film. To aapne kahani suni ya aise hi ha keh diya, ya how did it go? Nahi, kahani to suni. Wo to usi din life ka pehla usool hai ki kahani pehle sune aur phir baat kare. But kahani usi din suni nahi. First I read some scenes for them which they liked, and then I had a narration which was with along with Farhan. So looking at his excitement, I think I also got infected with that excitement. Aur bahut achhi lagi story. So went mad over the screenplay, the characters. So then he came on board. Achha. And his also is a very interesting story. Arre, he'll tell fact, you it's for weird that. Because it's pretty much hi mujhe kuch coincidences ka wo lag raha hai package. Kyunki same thing happened. Ritesh had seen me on TV at that time, and he calls up Mrig, and Mrig is like, he's just walked out of the look test. So Ali's just walked out of the office. Oh my god. He's like, okay, great then, you know. And then he calls me, and then aur pehle main thoda apprehensive tha kyunki maine kaha nahi mujhe guitar nahi pakadna pehle main ek okay. So then Ritesh called, and you know, we had a long chat and everything, and then sat, went through the script, and actually realized it turned out to be one of the hardest roles I've played, because I have so less to talk and had to be really like controlling myself through the entire shoot. Correct. Aur ab sabse zyada bolne wale ke paas aate hain, ye to non stop bolte rehta hai. Mera jo safar that was amazing. Like main audition normal de raha tha, and I got a call for Fukre. To ek to of course like accept. But kaise, matlab how did they spot you? Mrig sir actually unhone मेरे को मतलब एक बारी कहीं पे मिले थे. सो ही सेड यू नो यू कैन फॉरवर्ड योर पिक्चर्स एंड यू नो वी विल मीट समडे. तो फिर वहां से उनका फोन आया. ही सेड और यू आस्क्ड हिम व्हेदर? नो, आई ऑब्वियसली आस्क्ड हिम. वो एडिट कर दिया. मैं तो कॉफी पी रहा था. नहीं, ही जस्ट कहे नो नो नो. सो आई आस्क्ड हिम, एंड देन ही सेड, ही इज लाइक यू नो लाइक वी मीट वन ऑफ दीस डेज. तो उनका फोन आया, एंड फिर हनी त्रिहान जी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका फोन आया. तो आई वाज ऑल वेरी एक्साइटेड, यू नो, एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है, इट्स अबाउट दीज फोर बॉयज. सो एंड फुकरे, आई एम बीइंग फ्रॉम पंजाब, सो आई हैव बीन फुकरे ऑल माय लाइफ. सो आई वाज फुल एक्साइटेड. एग्जैक्टली फुकरे का मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली फक्कड़, मतलब फुकरे, लुखा. Penniless but passionate. तो आप बोल रहे थे. तो वो मैं एकदम से excited हो गया था जब पता चला कि फुकरे है and Excel Entertainment की फिल्म है. मैंने सोचा I have to play myself. चलो. तो मैंने auditions दिए normal, जो काफी scenes के auditions दिए, and तब तक Pulkit was already on board, वो sign हो गया था. So I knew that he is playing Honey. तो Pulkit के साथ भी scenes थे, because Honey Chucha का वो मतलब the best of friends and throughout the film they're together. जब हम ऑडिशन दे रहे थे, I had some different things in mind. मतलब बुली नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एंड इट वॉज बुली अब बुल.
नहीं बट बहुत मजा आया था लाइक ऑडिशन में भी लाइक वी वर लाइक ऑल आउट एंड ऑब्वियसली रीचा जी आप लास्ट में आई जी बिल्कुल मंजोत हैड आल्सो कम इन बाय देन मंजोत या मंजोत आल्सो केम ऑन बोर्ड ही वाज इन द विजन ऑफ द डायरेक्टर विद मी द फनी थिंग वाज दैट दे केम टू मी एंड आई रेड इट बट आई डिडंट रीड इट and something didn't work out some bad advice something I said no without even hearing it jab maine script suni aur unhone ek chota sa screen test kiya then I was on to aapko koi scenes kiske sath karne pade chucha ke sath chucha gir raha aapke upar nahi nahi maine main in sab se bilkul end mein mili aur actually hamari ye jo ghanishth mitrata hai wo promotions ke time hui because acha not even during the making of the film I think making I was little shy I guess मैं इनके साथ लंच नहीं करूंगी मैं जब पहुंची शूट पे फर्स्ट डे दे वर लाइक बैक स्लैपिंग एंड दे वर रियली हैविंग अ गुड टाइम मैं आज से ड्रिंक हाउ लॉन्ग हैव दे बीन टुगेदर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लाइन कट करके भीड़ में मतलब चार लड़कों के एंड दे वर लाइक दे हैव बीन शूटिंग फॉर अबाउट अ मंथ एंड यू नो दे स्टे इन ईच अदर्स रूम्स एंड दे पार्टी एंड व्हाटएवर आई सेड अच्छा मतलब उनकी सेटिंग हो गई थी एंड आई फेल्ट लाइक अ लाइक द न्यू किड इन क्लास यू नो हाउ इट्स ऑलवेज लिटिल अनश्योर बट देन बाय द एंड बट आस्क देम व्हाट डिड दे फील यू ऑल फेल्ट दैट एक नई प्रिंसिपल आई है नहीं हम तो देख रहे थे अच्छा ये तो आपने बट देन हाउ डिड व्हाई डिड यू ऑल टेक सो लॉन्ग टू एम्ब्रेस नो नॉट सो लॉन्ग दे डिड इट इन अबाउट आई थिंक टू डेज फुल के चल रहा है हमने अपनी तरह से पूरी ट्राई की पुलकित इज डाइंग टू से सॉरी सॉरी आई इंटरप्टेड यू हम लोग तो क्योंकि एक महीने से हमसे एक दूसरे को देख रहे हैं लड़का 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 डायरेक्टर भी लड़का इधर भी लड़का असिस्टेंट भी लड़का सब लड़के अब एकदम से एक लड़की आती है तो भूल ही गए लड़कियों को कैसे देखते हैं हाँ हम भूल गए कि कैसे हम बात कैसे करें तो बोलती बंद हो गई थी सो आई थिंक दैट इज व्हाई टुक वन डे बट आई डोंट थिंक यू नीड टू टॉक इन दैट लिंगो बिकॉज शी मस्ट हैव बीन मोर टॉम बॉयज देन यू ऑल शी इज द लिंगो व्हिच शी यूजेस इन द फिल्म बट आई थिंक वी ब्रोक द आइस पुलकित ब्रॉट आउट सम लाइक लवली lavish spread of food and Chucha and I had to have scenes together so we started talking you know the common thread between every friendship that developed on the set was Mrig is the real fukra yeah. because he actually has dreamt and this is true he dreamt one of the shots that is in the film yeah which one is that which is the gym sequence it's a really tough sequence actually that, if you've seen yeah. the thing that ye log jab aate hain to the room is full of mirrors correct and imagine in a room like that where do you place the camera correct. because you can see exactly it. so they had a hard time like and it was a very challenge hats off to our dop mr mohanan oh. and Mrig for visualizing it and the setting because they did it so beautifully that even I was puzzled sometimes ki kahan hai kahan and literally what happened to him in the film ki he is looking for the exit was happening to all of us ke bahar kya se jaye because it was a room full of mirrors and Richa actually thought ki main hu ki main hu Mrig always had this thing, you know, he would come on the set and he has not shot any scene the way it was on the script. Achha, so you know, improvisations bahut improvisation every and time. And sir, Mrig ki taraf se ki aap logo ki taraf se bhi? From us, we could do as much as, you know. Oh, space mein, I think. Space mein. One, we had, yeah. I think, decided that during the workshops, we had this much space to play with. And then we played. I mean, on set has to be magic, kya, which... You know, the language was very difficult, actually. So, yeah, it was difficult for us to come up with words on our own. But we would come out with thoughts. So that thoughts, he would then give us the words ki haan ye bol do, ye fit hota hai idhar. Because he's very known to that kind of genre. And he would give me the words to translate into thoughts. Because you didn't have words. But sach bataiye, jab film release ho rahi thi, what were the emotions you all were going through? Aap logo ke sabke liye, har film important hoti hai, but this must have held special significance because फिल्म में काम करते वक्त इतना मजा किया सो यू ऑल मस्ट हैव हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम एंड अब पब्लिक के सामने आ रही है विदाउट बिग स्टार नेम्स एंड यू नो ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस ऑफ इट्स ओन तो किस तरह के इमोशंस आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए आई एक्चुअली फेल्ट लाइक वेरी ग्रेटफुल कि अ बिग बैनर लाइक एक्सेल व्हिच हैज मेड फिल्म विद द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द कंट्री करेक्ट ट्रस्टेड अस न्यूकमर्स टू लाइक कैरी ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक दिस एंड पुश्ड इट to that extent True. marketed it the way they have True. so I felt grateful but I also felt responsibility and I think before the screenings we were all having I couldn't sleep for many days or more than 3-4 hours at a stretch because mujhe mere haath paon thande ho jate the thinking that because it's important you know you understand for a film like this to do well is important not just for us but for excel
and for other people who want to make films with new talent, and it's important for the new cinema that's coming. And it doing well has really made me so happy and so proud to be in the industry at the right time, at the right place, you know? Like, I was just blank for the entire day. I was just thinking, ki, let's see kya hota hai. I was just sitting, praying. I became Lali that day. Sitting in front of Babaji, kara do beda paar. I think Manjot was really excited. You should literally see him like jumping. And what did you feel, Pulkit? Were you nervous, especially because you had a Bit to Boss which did not work? No. Actually, Bit to Boss took the fear out of me. I was not even nervous on a Thursday night while Bit to Boss, because I've been lucky to be counseled by, you know, some special people in the industry, and they always tell me just one thing, that never bother about the numbers. You know, your work will take you forward. Just keep the honesty and keep your work going on. Mm-hmm. Don't bother about the numbers. Even at the place where the biggest stars are, they are also not sure about a Friday, that how it comes out. Very true. That took the fear out of me totally. So I don't think I'm ever bothered about the number. But yes, the only thing that we all were bothered about was appreciation. Ki, yaar, we have made this product. People should watch it. Then decide whether it's good or not. And Ali? No, I think these days the effort is to reach out, you know, take your film to all the people. Correct. I think our audiences are so smart that the job is to just get it to them. मुझे ये बताइए, एक तो आप सबका individually favorite scene कौन सा है, and last में I would want you all to enact or speak one or two dialogues each. सबसे फेवरेट सीन एक्चुअली है जब हम कॉलेज जा रहे हैं वो घोड़े पर वो एक्चुअली मेरा घोड़ा चल ही नहीं रहा था, वो सबसे फनी भी था उस दिन. पुलकित, योर फेवरेट सीन? आई लव दैट नौ लखा हार वाला सीन, वेयर एक्चुअली द बेस्ट पंच इज अबाउट पंडित जी सेइंग डिस्गस्टिंग, सो दैट इज व्हिच आई लव द मोस्ट. दिस पंचेस एंड अली, माइन इज दैट you know, Zafar and Lali come running to Neetu's house, and yeah, because it's so serious, the situation is damn serious. And both them look at, "Tum yahan kya kar rahe ho?" "Aap kya kar rahe?" And both them react to Neetu at the same time. I think it's hilarious. So, and then onwards also, it just goes on. Richa? I think my favorite scene is actually not mine. It's Manjot's scene, and he says, "Ho, aur aapne pehle apni setting Zafar bhai se karne, us din meri daadi mein se bhujiye ka piece to nikala." That's my favorite scene. I think I just cracked up over there. It was amazing. Chaliye, ab jaate jaate ek ek ya do do dialogues. Chucha, aapse shuru karte hain. Wahi wala apna jo mereko sabse acha lagta hai. Bhai, mera na ek sapna hai. जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज, तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे. दोनों ने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, लाल कमीज और काली पैंट पहनी होगी. भाई लड़कियां मर मिटेंगे हम दोनों पे. I'll take a smaller one. चू चू चूचिए पेपर गए, चू मतलब लीक हो गए. भाई ये सही है. वेरी गुड अली. अली बता नहीं भाई, आप बस बोलना कि मैं तो साइलेंट. या दैट्स एवरीवन्स फेवरेट. मैं क्या बोलूं, मेरे डायलॉग्स इतने एक्सरेटेड हैं. डजंट मैटर, पिक्चर देख ली लोगों ने तो अब ये शो में भी देखेंगे. वी लव दैट डायलॉग. मैं दिल्ली गई. नहीं, असली डायलॉग बोलिए. प्लीज हो गई. दिल्ली 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 हां हूं मैं दिल्ली. That's my favorite dialogue and the toughest scene. And it was indeed, मतलब ट्रेलर में भी जब ये डायलॉग आया, एब्सोल्यूट हंसी आ जाती है लोगों को. द वे शी सेज विद सो मच फ्लरिश कि हाँ मैं हूँ मैं दिल्ली. इट वॉज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड आपकी फुकरे के लिए मुझे बेस्ट विशेस देने की जरूरत नहीं. इट्स डूइंग ग्रेट बिजनेस. एंड थर्ड वीकेंड में भी कलेक्शन अच्छे हैं. मे इट ग्रो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, एंड ही इज विशिंग यू द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स टू. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये थी टीम फुकरे की, या यू कह लो कि ये थे फुकरे.
एंड मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने फुकरे तो देख ही ली होगी, बट आई विल डेफिनेटली एड ओवर, अगर आपने सेकंड टाइम या थर्ड टाइम नहीं देखी है, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग. बहुत से न्यूएंसेस है, बहुत से कॉमिक सीन्स है जो फर्स्ट टाइम में आप शायद नोट भी नहीं कर पाए बिकॉज यू आर बिजी लाफिंग. तो गो एंड हैव अ वॉच फॉर द सेकंड और द थर्ड टाइम, यू डेफिनेटली वोंट बी डिसअपॉइंटेड.